Hey guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to our channel. आप सभी को मेरी तरह से good morning. तो भाई नहीं, आज छुट्टी नहीं है. मैंने छुट्टी करी है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए. इसलिए मैंने आज सोचा कि आज रहने ही देते हैं, कल चले जाएंगे. और मौसम भी थोड़ा बढ़िया था तो मैंने बोला इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है. ये देखो मौसम बस बारिश वाला ही होने वाला है. मेरे को लगा था कि बारिश नहीं, भाई धूप वूप निकलेगी, पर अब मुझे लगता है असलियत में सितंबर का चली गया महीना और ठंड वंड तो आएगी. प्लीज आ जा यार. तो अभी मैं बस पढ़ाई कर रही थी. ये देखो मेरी सारी बुक यहाँ रखी है. अभी मैं उस रूम में जाती हूँ, मम्मी बेडशीट सही करेंगी, इसको लेकर चल, अरे बाद में ले चलूंगी. और वंशा चली गई है स्कूल मुंह बना के जैसे भी चली गई है, क्योंकि मैं नहीं गई थी तो शायद उसका भी मन नहीं था. और सूखी को देखते हैं, हमारी सूखी पड़ी है बेड में, भिखारी बन के बैठे पड़ी हुई है. तो चलो भाई मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा पढ़ने, फिर नाश्ता वाश्ते का बाद में देखते हैं क्या प्लान है. भाई क्या क्या बना है आज? मुन्ना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई. आज स्कूल क्यों नहीं गया बच्चा? आज थोड़ी पढ़ाई करनी थी और मेरे को रेस्ट भी चाहिए था. पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट थी पर मेरे को रेस्ट भी चाहिए था थोड़ा, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो रही थी. दिमाग तक खराब हो रहा था, ऊपर से स्कूल है, बच्चे चिल्ला रहे हैं अलग से, इतने सर में दर्द होता है ना मेरे. उसमें आज मैं नहीं गई. और मैंने देखा सुबह सुबह की वंशी का उठ नहीं रही थी. हाँ, 7 बजे उठ के जल्दी 7 बजे उठी है. हाँ. पता है मैंने जब तब उठा रही थी तो पहले मैंने एक बार देखा, फिर वंशी फिर सो गई, ये मैंने देखा, फिर मैं भी सो गई. मेरे को क्या, मम्मी उठा चिल्ला चिल्ला अब उठी उठी नहीं तू, मम्मी ऊपर चली गई, अब उठी नहीं तू, जाएगी नहीं क्या स्कूल? वैसे ना वो 6 बजे उठ जाती है जब छुट्टी होती है ना. छुट्टी होती है तो आज छुट्टी नहीं है तो फिर आज उसका मन ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि तू भी सो रही थी. बताऊँ क्या है उसका बंदी का, मतलब मैं नहीं जा रही ना तो सोच रही है कि वो भी नहीं जाएगी स्कूल है ना. पर क्यों बताऊँ क्यों, आज उसका मैथ का टेस्ट है. मैथ का टेस्ट है, कॉपी चेक होनी है, इसलिए उसको लग रहा था कि आज छुट्टी मान लेगी. मैथ से ना बहुत मस्ती है. मैथ से बहुत डरती है, खानदानी प्रॉब्लम है. पता है मैं भी बहुत ज्यादा डरती हूँ मैथ से, पर कोई बात नहीं, अब तो मैथ निकल गई ना, अब क्या है, अब तो बस पढ़ना ही कोई बात नहीं. तो अभी मम्मी क्या नाश्ता बना रही हूँ? Yes. क्या बना रही हूँ? आलू की भुजिया बना रही हूँ. आलू की भुजिया वंशा खुश हो जाएगी आके. हाँ. वंशा को पसंद है. सूखी को दिखा के सूखिया कर रही है हमारी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी. हेलो, ये कपड़ा प्रेस कर रही है, अपने तैयारी कर रही है जाने की. नहाई नहीं अभी ना? अच्छा ये पहन के जाएगी आज. yeah. जला मत दियो. और ये देखो बिस्किट के डब्बे यहाँ पड़े, चाय पिए होंगे इन लोगों ने, है ना? मैंने चाय. आज सुबह सुबह ये रहा यहाँ, ये देख रही है कोरियन मूवी देखती है ये, जो कि मुझे तो बिल्कुल पल्ला नहीं पड़ता. पता नहीं क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं. हाँ और क्या, और शकल सबके एक जैसे लगते, कौन आदमी कौन औरत समझ में मुझे आती नहीं है. और नहीं तो क्या उसे? अच्छा लड़के भी मेकअप करके बैठे हुए हैं, कान के झुमके झुमके सब पहने रहते हैं. हाँ और क्या, सबकी अलग अलग पसंद होती है, जो जिसका मन है वो देखेगा. तो आज घर की वंशी का मैं हूँ. तो लिपस्टिक फाउंडेशन और झुमके क्यों नहीं, क्यों पहनते हैं? ठीक है मूवीज में सब लगाते हैं. चलो मेकअप की बात. एलू आई है सच बोलने, एलू सच आई ना बोलना. हाँ एलू आई है कि दीदी सही कह रही है बोलने. अच्छा ये देखो भाई साहब, पढ़ने दो ठीक है. कोरियन के बारे में बोल नहीं सकते. हो जाओ बुराई मत करो, पढ़ने दो. देख रही है सोना? सोना से क्या बोलूँ, सोना भी तो उसी खेत की मूली है. ये देखो शीशा एलू अपने आपको देख रही है, वो कितनी सुंदर है एलू, है ना. और ये रही मेरी, यहाँ पे बन रही है आलू की भुजिया. जलते नहीं गई? नहीं, परफेक्ट बन रही है आलू की भुजिया. वंशी का आ गई है स्कूल से और मैं भी रेडी हो गई हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियोस बनानी है हमें. वंशिया को जाना है ट्यूशन और वंशिया के आते ताने हो गए भाई शुरू, कि मतलब मैं स्कूल गई थी, तू और मतलब सोना घर पे थी, तुम लोगों ने वीडियोस क्यों नहीं बनाए मेरे, मतलब मैं नहीं होंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं काम होता, ये कहना चाह रही थी ये बंदी. मतलब इसको ये नहीं पता कि इसको लगा था हम बैठे हुए थे, हम फोन चला रहे थे, पर किसको क्या ही पता. इसको सफाई देने लग गए ना हम लोग तो हमारी उम्र कट जाएगी भाई. तो सोना भी अपने जहाँ वो जाती है वहां से आ गई है यहाँ टाइसन की. मस्ती चल रही है मैं टाइसन की, है ना.
हाँ दीदी मस्ती होनी चाहिए, बाकी सब सही है। तो वंचा गई है स्कूल से आते ही नहाने, क्योंकि भाई बहुत ही गर्मी थी। माना कि बारिश हुई थी, यहाँ पे रुक गई बारिश जहाँ पे इसको जाना था मैडम को। और ये देखो ये तूतरा किसका है, वंचा का है क्या? खाले खाले वंशी का, खाले खाले। अरे मीटू मीटू, ओ मीटू, अभी टॉयलेट पीछे ये आवाज आने वाली होगी। ओ पागल, छोड़ दे मेरा कुरकुरा। वंशी का मैं तेरी बहुत अच्छी बहन हूँ, यहाँ पे एक सोना है चुड़ैल, वो तेरा कुरकुरा खा रही है। चलो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, अब आके सुनाएगी चावल नहीं सुने। अरे अच्छा खासा सुनाए, तुम किचन में ही बोलो ना जाके कि खाना ये बन रहा है, वो पहचान लेगी भाई किचन टे। तो अभी बस दिन में खाना बन रहा है, मतलब पापा की छोटी मोटी भूख लगती है वही बन रहा है भाई, पराठे वराठे जो भी। अम्मी ने बनाया था आलू, उसको ठूस के बनाओगी ना आलू का पराठा? सच बताओ बताओ, ये चलता है लोगों का। अभी ये चाय वाय पियेंगे, अभी मैं जा रही फटाफट वीडियोस बनाने, फिर अपना जल्दी जल्दी करके निपटूंगी और फिर रेस्ट करूंगी। मैं क्या बताऊं आपको, शाम को हमने भाई इतना रेस्ट ले लिया, मतलब अंजय ट्यूशन चली गई थी तो जो हमारे आफत थी और जो कलेश था वो चला गया था, तो हमने इतना आराम किया कि हम लोग मतलब दुनिया ही भूल गए। हम सोना और मैं साथ में एक मूवी चलाई देखी, बहुत ज्यादा मतलब थी, बहुत सारी सीरीज एपिसोड थे उसमें। सोना और मैंने खूब चिल मारा यहाँ पर, चिल। और वंशी का मतलब बैठी थी, वंशी का भी अपनी दुनिया में थी, पता ही नहीं चला टाइम का कब निकल गया। तो मम्मी वो देखो, मम्मी बर्तन नहीं चाय बना रही है, चपति देव जी के लिए चाय बना रही है मम्मी। और हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया है, यही तो काम है मेरा, यही तो काम है बिचारी। पूरे दिन अदरक भरते रहते हो। अब मैं बताती हूँ आपको, बताओ मैंने आज देखा सुबह, मैं पढ़ रही थी और 11:30 बज गए थे, मैडम रील में लगी हुई। इन मेरी आंखों ने देखा कि तुम रील में लगी हुई थी। फिर जैसे ही देखा कि बच्चे आने वाले हैं, मतलब सोनंची आने वाले हैं, फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी पराठे वराठे बनाए, फिर मम्मी ने आज मम्मी पे छापा मार रही हूँ आज चाय चाय निकलना भाई परमानेंट। फिर मम्मी ने मैंने देखा काम वाम करा, मैंने झाड़ू पोछा करा, मतलब 3 तो बज ही गए थे मम्मी को झाड़ू पोछा ही सब करते हुए, क्योंकि मम्मी ने सुबह रेस्ट कर लिया, मैं थी ना घर में इसलिए तो मम्मी सोचा रेस्ट ही कर लेती हूँ। तो फिर मम्मी ने क्या बोलते हैं फिर क्या करा था मम्मी ने, फिर मम्मी थोड़ी देर झपकी मार ली मम्मी ने, क्योंकि इतना सारा काम करा था, इतने मतलब मम्मी का था कि मतलब काम करने से पहले वो जो आधे घंटे वेस्ट करते हैं ना वो तू करती हो मजाक कर रही हूँ भाई, पहले जो भी बोला मैंने मम्मी, हाँ मम्मी बोलती रहती है ना चाय निकल के चली, पता है ना मम्मी बोलती रहती है ना हमें, तो वैसे आज मैं भी कर तानेबाजी कर दूं थोड़ा। अरे सास नहीं है ना इधर, तो किसी को तो बनना पड़ेगा ना सास। मेरी सास है लेकिन मेरी सास ताना मारती नहीं है। ओ दादी शीष्टा मैं दादी का, दादी तो खुश हो गई, दादी कहती है करो ना करो तुम्हारा है, मेरी बात तो सही है, सही बोल रही है दादी। तो चलो भाई अब ये जा रही है मूवी देखने और मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, फोन यहीं पड़ा हुआ है, चलो एडिटिंग। और क्या ये बंदी हमें मार दी इतने ताने कि तुम लोगों ने वीडियोस क्यों नहीं बनाए मेरे आने से पहले, और हम लोग मम्मी को मार देते थोड़े ताने है ना। अरे नहीं जब बोल नहीं रही थी, जब ये आई थी कि वीडियोस क्यों नहीं बनाए तुम लोगों ने मेरे से पहले, जब बोली थी आके इस बंदी को वीडियोस नहीं बनाती ना इसलिए, पर बनानी तो। ये क्या बाबू, ये क्या धोखा है, पक्का चीजी मांग रही होगी कोई सी, तभी ये हाथ दबा मेरा। अच्छा अरे बाप रे, चलो भाई हमारा निन्नी टाइम हो गया है, मतलब इन लोगों का देखो ये 10:30 सुबह सोने वाले बंदे, इन लोगों का तो पहले हो गया था गुड नाइट, अब मेरा गुड नाइट हुआ है, और वो देखो मेरा बच्चा टाइसन वहां पर लेटा हुआ है, क्योंकि मतलब एसी भी चल रहा है फिर भी भाई साहब को उधर जमीन पर सोना है, ये नहीं चद्दर वद्दर अभी यही सो रखा था सोना के साथ। ये देखो हाँ तेरी बात हो रही है मोटू, देखो उठा है, अभी मम्मी वाले रूम में भेजूंगी इसको, क्योंकि उधर ही थोड़ा शांति से सोता है, क्योंकि एलेक्सा वहीं सो रही है ना, थोड़ा शांति से सोएगा आराम से क्योंकि वहीं सोता है वो। मैंने सोचा कि पहले अपना ये एडिटिंग कर लो फिर गेट खोल के भेज दूंगी इसको, गुच्चू बन के सो गया ये। तो आज ऐसे ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, मतलब जब सोना था मस्ती कर रही थी बताओ। कोई बात नहीं अभी मेरे को नींद आ रही है, जल्दी फटाफट सो जाते क्योंकि कल तो स्कूल जाना ही जाना है, आज छुट्टी कर ली मैंने, रोज सुनिया करूंगी फिलहाल, तो देखते हैं और कब छुट्टी करनी है, क्योंकि
पढ़ाई तो करनी है भाई साहब। तो चलो भाई आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।